चटनी थोड़ी और डाल दो। इडली बढ़िया, इडली बढ़िया, जरा पैसा छोटू जानने के लिए जरा देखिए खाने के लिए नीचे जा देख पड़ा कौन है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो ये देखिए अभी बज रहे हैं रात के 2 और हम सब निकल गए हैं एक नए सफ़र के लिए। और यहाँ अभी हम पहुँचे हैं वसई स्टेशन, और स्टेशन देखिए पूरा सन्नाटा लग रहा है, पूरा खाली है। और हमारी ट्रेन थी मॉर्निंग के 4:30 बजे की, लेकिन अभी बज रहे हैं सुबह के 9:15। पूरी 4.5 घंटे ट्रेन लेट हो गई, और हमें रात में ट्रैफिक भी नहीं मिला था। 2 बजे हम निकले थे और 3 बजे हम पहुंच गए थे स्टेशन, और 3 बजे से वेट करते करते अभी फाइनली हमारी ट्रेन जो है आ गई है। और ये देखिए सबको लगी थी भूख, क्योंकि स्टेशन पर तो इतना कुछ खास खाने था नहीं, और लाइटली स्नैक्स वगैरह हमने लेकर आए थे बच्चों के लिए, बिस्किट चूड़े वगैरह, तो वो है ना बच्चों को मन नहीं कर रहा था खाने का। तो अभी हमने सबसे पहले ना यहाँ पर सुबह के नाश्ते के लिए इडली वगैरह ले लिए हैं। रेहान, मैं, हस्बैंड, बड़ी अम्मी, हम लोग सब तो यही खा रहे हैं इडली वगैरह। और जैन ने कहा कि मुझे ये नहीं खाना है। और यहाँ पर ना इनकी इडली अच्छी थी, इतनी बुरी नहीं थी, जैसे है ना काफ़ी जगहों पर इतनी खास नहीं रहती, लेकिन इनका टेस्ट अच्छा था इडली का। तभी हमने इडली और वड़ा साथ में ले लिया है, और मैं और हस्बैंड साथ में शेयर करके खा रहे हैं, क्योंकि इनकी क्वांटिटी ज़्यादा थी और इडली की साइज़ भी थोड़ी बड़ी थी। और इसी के साथ में अभी है ना मेरा मन कर रहा था चाय पीने के लिए, और इत्तेफाक ऐसे कि चाय वाले भैया भी आ गए थे, तो अभी हमने लिए हैं चाय। और यहाँ पर हम व्यू इंजॉय करते करते ट्रेन में से चाय पी रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा ना हम लोगों को थकान हो गई थी, क्योंकि बच्चों के साथ में रात में इतनी गर्मी और सुबह में इतनी तेज़ धूप निकल गई थी, और काफ़ी ज़्यादा 4.5 घंटे हमने वेट करे। लास्ट में 4.5 घंटों के इंतज़ार के बाद में हमारी ट्रेन आ गई थी, और काफ़ी ज़्यादा मतलब हम थक गए थे। और ये देखिए हम इतना अच्छा व्यू इंजॉय करते जा रहे थे, हमें जाने के वक्त में एसी की ट्रेन की टिकट नहीं मिली थी, 3-4 हमने ट्राई करे थे, लेकिन है ना हमें एसी का अवेलेबल नहीं मिला। और अभी यहाँ पर आ गए थे वड़े पाव वाला, और मैं, हस्बैंड, बड़ी अम्मी और जो हमारे साथ में थे गौसिया और रेहान, सब जन अभी है ना वड़ा पाव इंजॉय कर रहे थे, और इसी के साथ में ना बाहर के नज़ारे देख रहे थे। माशाल्लाह से इतना अच्छा व्यू दिख रहा था यहाँ पर, कहीं पर मौसम है ना ऐसे बादल थे, कहीं पे धूप थी, तो मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था, सेम वेदर नहीं दिख रहा था कहीं भी। अभी हमने स्टार्ट में जब एंट्री करे तभी बहुत तेज़ धूप थी, फिर थोड़ा हम आ गए थे उसके बाद में वेदर हमें थोड़ा चेंज लगने लगा, छाँव आ गए सडनली, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा था। और अभी बच्चों को ज़िद कर रहे थे, बच्चे आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम तो नहीं मिली यहाँ पर, इनके पास में ना लस्सी और छाछ वगैरह थी, तो वो हमने एक ही पैकेट ली, और मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा। और अभी जा रहे थे हम पानी की बोतल देखने के लिए, यहाँ पर है ना बहुत से लोग उतरे थे पानी के लिए, यहाँ देखिए आरओ का फिल्टर पानी था 5 रुपीस में पर बॉटल, ये लोग भर के दे रहे थे, और हमने तो ज़्यादा नहीं लिया, खैर एक ही ट्राई करे, लेकिन पानी अच्छा था, मीठा था। और अभी ये हस्बैंड ले रहे हैं पूरी भाजी, और ये हमारी ट्रेन रुकी है यहाँ पर 5 मिनट के लिए, और ना भूख लग रही थी। अभी बज रहे हैं शाम के तकरीबन 5 बजने आ गए थे, और अभी ऐसे है ना कि दिन बड़ा होने की वजह से अंधेरा जल्दी नहीं होता है, तो अभी 5 बज रहे, लेकिन फिर भी हमें ऐसे फील हो रहा है कि अभी यहाँ पर है ना कुछ 3 से 4 बज रहे होंगे।
और ये रही यहाँ पर हमारी पूरी भाजी रेडी हो रही है। पहले हमने ना 3 प्लेट लिए थे, फिर बाद में ऐसे लगा कि कम पड़ेगा तो 2 प्लेट हमने ना और लेके गए, और इसी के साथ में यहाँ पर है ना आगे से ना मूंग दाल के भजिए थे तो वो भी हमने ले लिए, तो बहुत ज़्यादा हो गया था, बच गया था थोड़ा हमारा। और जोहेब है ना परेशान कर रहा था तो मैंने उसको ना आइसक्रीम दिला दी थी, तो वही अभी आइसक्रीम इंजॉय कर रहा है और ना मुझे खिलाने नहीं दे रहा था, कह रहा था कि नहीं मम्मा मैं खुद से खाऊंगा। और ये देखिए बड़े अम्मी गौसिया और इसी के साथ मेरे हान, मेरी जेठानी का लड़का जो है वो भी साथ में आया हुआ था, तो अभी हम सब इंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए ये रहा रेहान, और जब मैंने मेरी बड़ी अम्मी बताई थी ना उनके साथ में उनकी नवासी आई थी जिसके अभी हम दुल्हन की शादी में गए थे, उनके सिस्टर, तो वो भी है ना हमारे साथ आए थे। और ये देखिए ये जोहेब, जोहेब और जैन ने ना सिर्फ सूखी पूरी लिया था, वो भी उसने ना 2 ही खाया, बाकी की हमें वापस रिटर्न कर दिया। और ये देखिए यहाँ पर हम 2 प्लेट लेके तो बैठे थे लेकिन हमसे भी खाया नहीं गया क्योंकि पूरी की क्वांटिटी ना इन्होंने बहुत ज़्यादा दी थी। भैया एक ककड़ी देना ना। ये देखिए बड़ी अम्मी ऊपर चले हैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए। कैसे दिए हैं? 50 के 12 करके दो ना। अच्छे देखिए तो। हाँ अच्छे देखिए। 50 का आपने कितना दिया? 60 दिया। और अभी सब बच्चे हैं ना केला दिए थे मैंने, तो केला खा रहे थे बिकॉज है ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी खा के मन नहीं है। कैसे कितने की? 10 का है। एक दे दो। हाँ ली ली 10 रुपये तो ना। जैन गीली वाली नहीं है, सूखी वाली है। जैन को भी दिला दे। और ये देखिए अभी यहाँ पर है ना बच्चों के लिए हमने सेंग ले ली थी क्योंकि जैन कह रहा था कि मुझे सेंग चाहिए, वो ना बॉयल सेंग होती है ना बहुत शौक से खाता है, लेकिन अभी बॉयल सेंग यहाँ पर नहीं थी तो यही वाली हमने ले ली। अभी ना बोर हो रहा था क्योंकि काफ़ी मतलब कल रात के हम 2 बजे के निकले हैं और इतनी ज़्यादा थकान भी लग रही थी, तो इसके लिए मैंने सोचा चलो बच्चों का थोड़ा टाइम पास भी होते जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर है ना रेहान को पेरू खाना था तो मैंने पेरू ले ली थी रेहान के लिए, तो मुझे तो ज़्यादा मतलब नहीं चाहिए था, मैंने 2 पीस ट्राई करी लेकिन अच्छा मीठा था। और ये देखिए अभी यहाँ पर है ना ट्रेन हमारी रुकी है और यहाँ माशाल्लाह से इतना खूबसूरत सा ना मोर दिख रहा था हमें पिकॉक, ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, बहुत सारे लोग नीचे उतरे थे, मैं तो खैर नहीं उतरी थी क्योंकि मुझे ना ट्रेन में से उतर कर ना रिटर्न चढ़ने बहुत डर लग जाना है। और ये ट्रेन है ना एकदम ऐसे जंगल टाइप में रुकी थी थोड़ा, यहाँ देखिए ऐसे हरा भरा तो दिख रहा था, लोग तो थे लेकिन है ना काफ़ी ज़्यादा मतलब दूर दूर तक का खाली खाली लग रहा था, तो हस्बैंड खैर उतरे थे, बच्चों को भी मैंने उतरने मना करी थी। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए काफ़ी लोग उतरे तो थे नीचे लेकिन ना हम नहीं उतरे थे और ना मैंने बच्चों को उतरने दी थी। ये देखिए ये स्टेशन है जैकॉट करके और अभी हॉर्न बजने लग गया है, ट्रेन अभी स्टार्ट होने वाली है 5 मिनट में, और 10 मिनट कुछ ट्रेन यहाँ पर रुकी थी। और यहाँ पर है ना थोड़े जानवर वगैरह भी हमें दिखाई दे रहे थे। और ये देखिए अभी फाइनली ट्रेन स्टार्ट हो गई है और ना यहाँ पर है ना पानी ऐसे बहुत से लोग फ्री में भी दे रहे थे और कुछ लोग मतलब 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ में दे रहे थे पर मग करके, मतलब जैसे भी यहाँ पर अब मैं ऐसी जगह आओ तो गरीब लोग रहते हैं तो हमें भी थोड़ी उनकी हेल्प कर देना चाहिए बिकॉज़ वो हमारे टूरिस्ट के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, और इन लोगों को अगर हम कुछ एक्स्ट्रा भी दे दें तो कोई हर्ज नहीं है, अगर आपके पास में है तो आप दे दीजिएगा। हम हमारे पे इतना घूमने फिरने पर डाल देते हैं, बच्चों को हम इतनी सारी चीज़ें दिला देते हैं, तो ये सोचिएगा कि आप बच्चों को कुछ 1 से 2 चीज़ें स्किप करके आप उन लोगों की मदद कर रहे हो, वो लोग तो एटलीस्ट उनका कुछ खाना पीने का सामान आ जाए, राशन चीज़ आ जाए उनकी। और यहाँ देखिए अभी जोहेब और जैन खड़े हो गए थे जूस वगैरह आइसक्रीम लेने के लिए, तो यहाँ अभी हमने ना सबके लिए आइसक्रीम ली थी, गौसिया रेहान जैन जोहेब
सब अभी ना आइसक्रीम इंजॉय कर रहे थे। घर पर तो बच्चे इतना खाते नहीं हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं ना, स्पेशली ट्रेन में, अदरवाइज़ मतलब होटल में वगैरह इधर उधर जहाँ हम रुकते हैं वहाँ तो नहीं कुछ खाते हैं, लेकिन है ना इन लोगों को ट्रेन में बड़ा मज़ा आता है खाने के लिए। और अभी रात के 3:15 बज रहे थे और फाइनली हम पहुँच गए हैं। ट्रेन हमें टोटल 8.5 घंटा लेट छोड़ी है, क्योंकि हमारी ट्रेन थी हमें 8 बजे छोड़ने वाली है, और हमें छोड़ी है हमारी ट्रेन ने 8.5 घंटा लेट, 3:15 बज रहे थे। और ये हम पहुंच गए हैं माशाल्लाह से अजमेर जंक्शन। हम जा रहे हैं ख्वाजा गरीब नवाज़ के दर पे। और ये देखिए जोहेब, जैन, सबजन हाय कर रहे हैं, रेहान, बच्चे ना सब सो गए थे, आधी नींद में थे, तो उन लोगों को हमने वही उठाया। 2 दिन से ना बच्चों की भी और हमारी भी दोनों की प्रॉपर नींद नहीं हुई है। जोहेब तो खैर थोड़ा सो गया था, लेकिन जैन, हम सब तो ज़्यादा कुछ सो ही नहीं थे। और ये देखिए कितना प्यारा लगता है अजमेर स्टेशन। और अभी हम बैठ गए हैं ऑटो में और फाइनली हम पहुंच गए हमारी होटल सत्यम। ये एग्जैक्टली दरगाह के सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो ये हमें अच्छा लगता है कि कुछ सामान वगैरह उठाना ना पड़े और हम आसानी से पहुँच जाए। और ये लिया हमने बेडरूम हमारा। यहाँ पर एक बेड पे हम 4 लोग आ गए थे और एक बेड पे बड़ी अम्मी और रेहान और मेरी जो गौसिया थी ना वो आ गए थे। और यहाँ पर बच्चों को ना अभी भूख लग रही थी, 4:15 हो रहे थे और इन लोगों को ना भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैगी वगैरह, होटल के जस्ट सामने ही ये लोग खड़े थे, तो यहाँ पर अभी हमने ना मैगी लिए हैं और थोड़ा बॉयल्ड अंडा लिए हैं, क्योंकि ना जोहेब ना इतना कुछ खाता नहीं है, तो इसके लिए मैंने बोला चलो उसे बॉयल्ड अंडा खिला दूँगी और हम भी सब ना थोड़ा एक एक पीस ट्राई कर लेंगे। और यहाँ पर ना इन लोगों की मैगी बड़ी अच्छी लगती है। हम कश्मीर गए थे, शिमला, मनाली, वहाँ सभी ना मैगी का टेस्ट बहुत औसम होता है, और यहाँ पर भी हमने अभी ट्राई किया तो हमें बहुत अच्छा लगा। और 40 रुपीज़ पर प्लेट देते हैं, अगर आप मसाले वाली ले रहे हो तो आपको 50 रुपीज़ में मिल जाएगी। और यहाँ देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, तीनों बच्चे बैठ के मैगी इंजॉय कर रहे हैं। और ये रही हमारी एग्जैक्टली सामने होटल। और इसके बाद में ना अभी हम सब भी बैठ गए थे मैगी खाने के लिए, क्योंकि सबको ना भूख लग रही थी। रात में तो हमने इतना कुछ खाना खाया ही नहीं था, जो हमने पूरी भाजी थी वही सब खाए थे। और ये देखिए अभी सब जा रहे हैं हम ऊपर चेंज वगैरह करने के लिए। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा, और आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और अभी बच्चे मिलके ड्रॉर खोल रहे हैं और फाइनली अभी हम फ्रेश होके फिर निकलेंगे दरगाह की ज़्यारत करने के लिए। मैं तो खैर थोड़ा रुक के जाऊँगी, हस्बैंड जैन और रेहान ये पहले चले जाएँगे, बिकॉज़ अभी फजर की नमाज़ पढ़नी है इन लोगों को। और मैं कैसे जोहेब को थोड़ा भी रिलैक्स करवा लूँगी, फिर उसको नहला वगैरह के मैं फिर बाद में चली जाऊँगी जोहर के टाइम में। और ये देखिए तो इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआ में याद रखिएगा। डाल दो, वेरी गुड।